अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे पर फिर तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार गाड़ी का कहर दो मासूम बच्चों पर टूट पड़ा। मामला अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे धारीवाल बाईपास का है, जहां एक व्यक्ति अपने दो बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहा था। जब वह नेशनल हाईवे धारीवाल बाईपास पर पहुंचा, पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और तीनों बाप और बेटे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों को उपचार के लिए गुरदासपुर के सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां एक बच्चे की हालत काफी नाजुक थी, जिसे अमृतसर रेफर कर दिया गया, लेकिन बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। स्कूल चो निकले अजे बच्चे छड्डण वास्ते घरे, तो पिछों गड्डी आई है तो उन्हें बड़ी दूर तक लै गए। डिवाइडर जिहड़ा हुंदा गड्डी तो उन्हें भी टप के दूसरी साइड नूं गलत रोंग साइड ते भी पहुंचने वाली इन्नी स्पीड ते गड्डी, ते हांडा भी बड़े इत्थों लै के कोई काफ़ी हद तक जिहड़ा लै गए, तां प्रेस वगैरह कुछ नहीं। वड्डे बच्चे नूं रैफर करता है दूर पता होर हॉस्पिटल च, तीन जने वड्डे बच्चा ज़्यादा सीरीयस आ, तो दो ते चल उन्हां दे भी सट्टां काफ़ी लगियां। वड्डा बच्चा सैकेंड च पढ़ता, छोटा UKG च। ट्यूशन तो मतलब स्कूल चो उत्थों वापस आया, इस मौके स्कूल चो वापस आउण दे एक्सीडेंट केस आया, तीन बच्चे ते दो बच्चे ने एक अडल्ट मेल हैगा वा। बच्चे की हालत जी थोड़ी सीरीयस सी, उन्होंने रैफर करता वा, तो दो जिहड़ा बच्चा वा ते नाल जिहड़ा मेल हैगा उन्होंने इत्थे रखा, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करता गया। कार दे विच बच्चे मेरे ख्याल मोटरसाइकिल। जागृति लहर के लिए गुरदासपुर से रजिंद्र कुमार की रिपोर्ट।